आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो क्या दे रखा है, sec x इज इक्वल टू 13/5, तो x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है। ठीक है नाउ, तो सबसे पहले आप देखो क्या क्या है आपके पास में, sec x ओनली, तो sec x का रिसिप्रोकल हमारा क्या होता है, cos, तो वी विल राइट दैट, तो cos x दैट इज इक्वल टू 13/5 का 5/13। ठीक है, तो हमारा एक हो गया फर्स्ट। नाउ अब आपको क्या करना है, टू क्लॉक्स बनाने हैं। ठीक है नाउ, तो क्लॉक्स देखो आपके कैसे होंगे, लाइक दिस। ठीक है नाउ, तो ये आपका फर्स्ट वाला साइन का, दूसरा वाला कॉस का, और कॉस और साइन एनीथिंग, तो फर्स्ट हमने इसको साइन बनाया और इसको बनाया कॉस, तो नाउ एंगल्स इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। ठीक है, हियर आल्सो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। ठीक है, तो साइन का वन कहां पर होता है, यहां पर, तो दैट मीन्स ये दोनों जीरो है, तो यहां पर आपका प्लस, ये माइनस। कॉस का वन कहां होता है, यहां पर है ना, तो दिस टू आर योर पॉजिटिव और ये दोनों आपके नेगेटिव हो गए। ठीक है ना, तो अब देखो हमारे पास में क्या है, कॉस एक्स है और सेक एक्स है, तो वी विल टेक सेक एक्स, तो सेक एक्स का फॉर्मूला हमारा क्या है, जो 10th क्लास में पढ़ा था हमने, दैट इज योर सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan² x। नाउ तो 10² हमारा क्या हो गया, देखो 10² x दैट इज इक्वल टू, वी कैन से सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो 10x कितना हो गया, 10x इज रूट ओवर sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है ना, तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, तो देखो हमारा कितना आ रहा है, तो sec स्क्वायर एक्स, तो sec एक्स इज 13/5, तो sec स्क्वायर कितना हो गया, 13² इज 169 बाई 5² इज 25 माइनस वन। नाउ टेक द एलसीएम, तो आपका क्या आ गया, देखो 25 इज द एलसीएम, तो यहां पर है 169 माइनस 25, तो दैट इज इक्वल टू 144, तो ये आपका आ गया 144/25। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, नाउ वी कैन से 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो 12/25 इज 5 का। ठीक है नाउ, तो अब यहां पर आने के बाद आपको देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा क्या है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट इज दिस है ना, 1 2 3 4, फर्स्ट एंड फोर्थ है ना, नाउ तो फोर्थ इज दिस, तो दिस इज योर नेगेटिव, हियर फोर्थ क्वाड्रेंट इज प्लस, कॉस का प्लस है बट साइन का माइनस है, तो टेन का क्या हो जाएगा, माइनस बाई प्लस इज माइनस, तो नाउ वी कैन से द वैल्यू इज -12/5 इज टेन, तो अब टेन के बाद टेन का रिसिप्रोकल इज कॉट, तो कॉट का क्या हो गया, कॉट का कॉट एक्स इज इक्वल टू, वी कैन से -5/12। ठीक है नाउ, अब यहां पर देखो कॉस है, तो कॉस का भी हमारे पास में एक फॉर्मूला था, क्या था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1, तो हमको क्या निकालना है, साइन निकालना है, तो हमारा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स,
तो साइन एक्स इज रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. नाउ पुट द वैल्यू, तो देखो कितना आ रहा है आपका वन माइनस कॉस स्क्वायर. तो कॉस एक्स इज 5/13, तो स्क्वायर कितना हो गया 25/169. तो यार इट इज 25/169. नाउ टेक द एलसीएम, तो एलसीएम विल कम एज 169. तो आपका क्या हो गया 169 माइनस 25, दैट इज इक्वल टू वी कैन से इट्स 144/169. तो 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, एंड 169 किसका होता है 13 का. तो 12/13. बट इन फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा साइन क्या है माइनस, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, योर वैल्यू विल बी -12/13. ठीक है, तो साइन इज दिस, तो आपका कोसेक क्या होगा रिसिप्रोकल ऑफ दिस. तो वी कैन राइट कोसेक एक्स इज इक्वल टू -13/12. तो इस तरह से आपको इसको निकालना है.